हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खाली देश कौन सा है, तो आप कहोगे यार ये कैसा घनचक्कर वाला सवाल है यार, खाली देश क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश की जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ एक ही शहर में रहती है, और इस देश में आपको लोग ना ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसकी राजधानी में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, और एक ऐसा देश जहां पे सर्दियों में खाई जाती है आइसक्रीम। और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई घोड़ा नहीं होगा तो इस देश का कोई भूत, वर्तमान और भविष्य ही नहीं होगा। लुप्त प्राय दो कुबड़ वाला बैक्ट्रियन ऊंट इसी देश का मूल निवासी है, और ये वो भूमि है जहां पर कभी डायनासोर घूमा करते थे, और एक ऐसा देश है जो हमेशा मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं है बल्कि हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश मंगोलिया के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पूर्वी एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है मंगोलिया, और वर्तमान में इस देश की जनसंख्या सिर्फ 33 लाख है। वहीं कम जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल इसे दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले सोवेरियन कंट्री बनाता है। मंगोलिया की सीमाएं उत्तर में रूस, जबकि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। यानी कि ये दो महाशक्तियों के बीच में एक छोटा सा देश है। सोचो यार, इधर चीन और उधर रूस, वाह। मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन इस देश की सीमा कजाकिस्तान से सिर्फ 24 मील यानी कि 38 किलोमीटर ही दूर है। मंगोलिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज मंगोलियन है, और धर्म की बात करें तो यहां लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बाकी लोग इस्लाम, शैमनिस्त और ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, और देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी तो यहीं पर रहती है यार। उलान बटार का मतलब है रेड हीरो। तुवल नदी घाटी में स्थित ये औसतन दुनिया का सबसे ठंडा राजधानी शहर है। हाई लैटिट्यूड, ऊंचाई पर होने और साइबेरियन एंटी साइक्लोन के कारण ये बहुत ही ठंडा इलाका है। यहाँ का औसतन तापमान 0 से 1 डिग्री पर रहता है, और यहाँ पर जनवरी के महीने में तापमान -36 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो यार। और दोस्तों, दुनिया भर के लोग जिस मंगोलिया को आज जानते हैं ना, वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों साल पहले का असल मंगोलिया वो किधर गया भाई। दरअसल मंगोलिया का जो मुख्य भाग था, अब वो चीन के अंदर है। हालांकि मंगोलिया चीन से अपना क्षेत्र वापस लेना चाहता है, लेकिन वो इतना छोटा देश है कि चीन के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है, और चीन उसको दबाता रहता है। और इसे इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादातर इलाका घास के मैदानों से ढका है, जिसे स्टेपी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश का नाम मंगोल शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। और आपने इतिहास की किताबों में चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा ना। आपको बता दें कि वो इसी मंगोलिया की धरती पर पैदा हुआ था, और लगभग 800 साल पहले यहाँ चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य बसाया था। इस साम्राज्य में वर्तमान चीन से लेकर मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्की और यूरोप के पोलैंड की सीमा भी शामिल थी। और हमारे देश के लिए तो चंगेज खान सिर्फ एक लुटेरा ही था ना, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए ये यहाँ का महान राजा था। कहा जाता है कि घोड़ों के बिना मंगोलिया में भविष्य के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि मंगोलिया में रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे किसी देश की तुलना में सबसे ज्यादा घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई घोड़ों से ऐसा क्या होता है यार, ऐसा क्या हो गया। तो इसके दो मुख्य कारण है। एक तो करीबन यहाँ पे 4000 साल पहले से मंगोलियाई ब्रीड के घोड़ों का इस्तेमाल सवारी के तौर पे होता रहा है। लोग माल ढुलाई से लेकर सवारी तक में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरा रीजन है कि करीबन 850 साल पहले 1175 में मंगोलियाई शासक चंगेज खान ने इसी नस्ल के घोड़े पर बैठकर दुनिया की 22% हिस्से को जीता था, और इसके बाद से यहाँ के लोग सिर्फ रोजाना इस्तेमाल में ही नहीं बल्कि जंग के मैदान में भी इसे बेहतर साथी मानने लगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस छोटे से देश में भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मंगोलियन शेयर बाजार इस दुनिया में सबसे छोटा है, जिसे वहाँ बच्चों के एक पुराने सिनेमा घर से चलाया जाता है। मंगोलिया दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक है, और इस देश का लिटरेसी रेट है 98%। मंगोलियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पूरे देश का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। और आपको बता दें कि 1961 में उलान बटार नाम से इस देश में पहला होटल बना था। उस समय ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि पूरे देश में ये एकमात्र बिल्डिंग थी जहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी, सोचो, दोनों साथ में आता था। ये वहाँ इस समय बड़ी बात थी। वैसे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, लेकिन साल में कम से कम 260 दिन यहाँ का आसमान एकदम मस्त साफ रहता है, इसलिए इस देश को द लैंड ऑफ ब्लू स्काइज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यूँ तो म्यूजिक हर किसी को पसंद होता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, लेकिन मंगोलिया वाले भाई, इसके बिना तो यहाँ के लोग रह नहीं सकते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग घोड़े की सवारी करते वक्त जोर जोर से गाना सुना करते हैं, और इनका मानना है कि जब तक आप गाने को अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, तब तक आप बड़े खुश रहते हैं। मंगोलिया में जितने भी सिंगर है ना, उनमें से ज्यादातर नाक से गाने गाने के लिए फेमस है। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो आइसक्रीम पसंद नहीं करता होगा, लेकिन यार तब जबकि गर्मी का मौसम हो। लेकिन मंगोलिया के लोग तो यार उल्टी गंगा में नाव चलाते हैं, मतलब कि यहाँ के लोग गर्मियों में नहीं बल्कि ठंडी में आइसक्रीम खाते हैं। सर्दियों में वहाँ आइसक्रीम कागज के बॉक्स में रखकर बेची जाती है ताकि खाने लायक बनी रहे। वैसे क्या आपको बताया कि आइसक्रीम सबसे पहले आया कहाँ से था। आपको बता दें
हैं कि मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी। इस देश के ना कई मजेदार किस्से हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत के फेमस महाभारत सीरियल को मंगोलियाई भाषा में डब करके वहाँ टीवी पर प्रसारित किया जा चुका है, और भारत में मंगोलिया से ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं और वहीं भारत से ना के बराबर लोग वहाँ जाते हैं। दरअसल मंगोलिया में भारत के कुछ 100 लोग ही रहते हैं। हमारे भारत में सरकारी स्लोगन है ना कि हम दो हमारे दो, इससे लोगों को जागरूक किया जाता है। और कुछ राज्य तो दो से ज्यादा बच्चे वाले को गवर्नमेंट की जॉब ना देने की बात करते हैं, लेकिन मंगोलिया में सरकार बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके जितने बच्चे उसे उतना ही ज्यादा सम्मान मिलता है। मतलब सोचो, जितने ज्यादा बच्चा पैदा करो उतने ही ज्यादा आप रिस्पेक्टेड कहलाओगे। क्या बात है। यहाँ अगर कोई महिला 5 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करती है तो उसे बहुत ही इज्जत की नजर से देखा जाता है। और आपको बता दें कि मंगोलिया के लोगों में मेहमान नवाजी का तरीका भी बड़ा शानदार है। यहाँ के लोग मेहमानों की बहुत इज्जत के साथ में स्वागत करते हैं, और लोग मानते हैं कि जो भी लोग मंगोलिया घूमने आते हैं वो सब उनके गेस्ट हैं। फिर वो रहने के लिए रूम से लेकर चाय नाश्ता सभी का प्रबंध करते हैं, और यहाँ तक कि अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को घोड़ा गिफ्ट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब मंगोलिया गए थे तब उन्हें घोड़ा गिफ्ट में मिला था। दोस्तों, जब कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी दुनिया में उसे देश मान लिया जाता है। लेकिन 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के बाद भी 1987 तक अमेरिका और उसके ग्रुप वाले देशों ने मान्यता नहीं दी थी मंगोलिया को। हालांकि जब मंगोलिया यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं था तब भारत ने उससे संबंध स्थापित किए थे, और ये 1955 की बात है। तब सोवियत यूनियन के देशों के अलावा भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश था, और यही कारण है कि 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, कश्मीर मुद्दा हो, या फिर यूएन में भारत के परमानेंट मेंबरशिप का दावा हो, हर जगह मंगोलिया भारत के साथ नजर आता है। मंगोलिया में लगभग 40% लोग बंजारा की जिंदगी जीते हैं। ये पैदाइशी नोमैडिक जिंदगी जीते हैं। आजकल बहुत से लोग शौक से ऐसा करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। असल में इनका ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। करें तो करें क्या यार, पूरा देश ही इनका है, इसलिए घूमो फिरो मजे करो। बस ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं। मंगोलिया में कई समुदाय आज भी पारंपरिक घरों में रहते हैं, जिसे यार्ड्स कहा जाता है। ये एक प्रकार का टेंट होता है जो कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यहाँ खाली जगह इतनी है कि कोई एक क्या 10 घर बना सकता है, लेकिन फिर भी लोग खानाबदोश वाली जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी लोग काम की तलाश में उलान बटोर जाते हैं वो सभी कम से कम 3 महीने के लिए जून, जुलाई और अगस्त में अपने घर जरूर जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। आपको बता दें कि मंगोलिया के लोगों की औसत उम्र 78 साल है, जो कि एशिया में कई देशों के मुकाबले बहुत अच्छा है यार। और इसका कारण है कि यहाँ की हवा बहुत साफ है, और साथ में जनसंख्या कम होने के कारण लोगों के जीवन में कठिनाई बहुत कम है, और इसीलिए सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। और जो जितना खुश रहेगा वो उतनी ही लंबी जिंदगी जिएगा यार, सीधा हिसाब है। मंगोलिया का नेशनल गेम है मंगोलियाई रेसलिंग। हर साल मंगोलिया के स्वतंत्रता दिवस पर एक टूर्नामेंट का आयोजन होता है। 17 सितंबर 2011 को मंगोलियन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6002 पहलवानों ने भाग लिया था, और अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी। इसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। और इसके अलावा आर्चरी और हॉर्स रेसिंग भी यहां का ट्रेडिशनल गेम है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगोलिया को द लैंड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। इसका कारण ये है कि यहां पे बहुत सारी वैरायटी के जानवर अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। मंगोलिया में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वहीं पर भेड़ की बात करें तो एक इंसान पर यहाँ 35 भेड़े हैं। बस इससे ही आप आइडिया लगाइए कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी होगी। मंगोलिया लुप्त प्राय स्नो लेपर्ड का घर है, और यहाँ दुनिया के 60% स्नो लेपर्ड मिलते हैं। और जब तापमान -40 डिग्री के आसपास चला जाता है फिर भी इनकी चांदी हो जाती है यार। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हजारों साल पहले डायनासोर का घर हुआ करता था। और 2 कुबड़ वाले ऊँट भी मंगोलिया के मूल प्राणी है। इन ऊँटों की संख्या पिछले 12 सालों से लगातार घटती जा रही है। हर साल ऊँटों की इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए मंगोलिया में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। खैर, फेस्टिवल की बात हो रही है तो आपको बता दें कि मंगोलिया देश में गोल्डन ईगल फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल 2 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में यहाँ के लड़के घोड़े पर बैठकर ईगल की मदद से शिकार करते हैं। अब दोस्तों, इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ। यहाँ के लोग ना ज्यादातर मीट ही खाते हैं। अब ठंडा देश है यार, मीट तो खाएंगे। और देश का सबसे पॉपुलर डिश है बुज, और ये एक तरह की डंपलिंग्स है। हुशुओर एक डीप फ्राइड मीट पाई है। इसके अलावा आप यहाँ पे सिवन, खोरखोग, बुडोग और लवशा जैसी डिशेस ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंगोलिया के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ नदाम फेस्टिवल जा सकते हैं और हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकते हैं। मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म रिजर्व भी माना जाता है। गोबी मरुस्थल में गुरवन सैखान नेशनल पार्क और खुस्तैन नूर नेशनल पार्क में नेचर की सुंदरता का आनंद आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मिक्सिट जनराइजिंग सुम ओरखोन वैली नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जा सकते हैं। और भाई, मंगोलिया जाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि यहाँ लोग अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत एराग नाम की एक फर्मेंटेड दूध की कटोरी से करते हैं। आप गलती से इसे ना मत कहिएगा, क्योंकि इसे मना करना अपमानजनक कहा जाता है यार। और मंगोलिया की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जून और अगस्त
अगस्त के अंत में होता है। ये साल का सबसे सुखद समय है और इस दौरान थोड़ी सी बारिश भी होती है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश मंगोलिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको मंगोलिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो मंगोलिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।